नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि विपक्ष मोदी को हटाना चाहता है, इसलिए वह झूठ को जोर से और सार्वजनिक तौर पर बोलने की सियासत कर रहा है, जबकि बीजेपी और पीएम मोदी का एजेंडा गरीबी और भ्रष्टाचार को हटाने का है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को ताक पर रखने वाले लोग हमसे कहते हैं कि आज डर का माहौल है। बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा कि जनता सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और हमें उम्मीद है कि 2019 में भी मोदी सरकार को एक और मौका मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि अच्छे काम का ही नतीजा है कि आज 20 राज्यों में एनडीए का शासन है और हम देश की 65% जनता की सेवा कर रहे हैं। कई राज्यों के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। सरकार की योजनाएं गिनाते हुए शाह ने कहा कि 19,000 गांव बिजली से छूट गए थे, अब देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। हम 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों को सिलेंडर दिया गया है, 1.5 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री के कहने पर गैस सब्सिडी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री दिया है, जो 15 से 16 घंटे तक रोजाना काम करता है। 2014 के बाद देश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार ने परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद को खत्म कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नीति को आगे बढ़ाया है, पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्त कर सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया है। में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है। आजादी के 70 सालों के बाद 18,000 गांव ऐसे छूट गए थे, 19,000 गांव ऐसे छूट गए थे जहां बिजली नहीं थी। आज हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। सौभाग्य योजना के तहत अब हर गांव में पहुंचाने के बाद हर घर को पहुंचाने की दिशा में हम गए हैं। 1 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है और 4 करोड़ घरों का विद्युतीकरण का लक्ष्य 2019 के नए जनादेश के पहले हम लेकर आएंगे, ऐसा हमने तय किया है। 2022 तक हर व्यक्ति को अपना घर, खुद का घर देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। 1 करोड़ लोगों को आवास देने का हमने काम समाप्त कर दिया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3.6 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस का सिलेंडर देने का काम हमने समाप्त कर दिया है और 8 करोड़ गरीब महिलाओं को जब गैस दे देंगे तो इस देश में हर घर गैस से युक्त हो जाएगा।